नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर के पिपराइच नगर पंचायत में। आपको बता दें कि अगर शिक्षा दीक्षा की बात कर ली जाए तो स्कूल का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप देख सकते हैं पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जो लिटिल वेरियर्स स्कूल के नाम से ये विद्यालय का नामांकित है और ये विद्यालय नगर पंचायत में चल रहा है। और सबसे पहले बात आपको बता दें कि इस विद्यालय ओपन होने के बाद पहला सत्र शुरू हुआ है, जो प्लेवे से इस विद्यालय को शुरुआत किया गया है और फिफ्थ तक इस ये विद्यालय चल रहा है। अभी आपको बताते हैं शिक्षा दीक्षा की बात कर ली जाए तो विद्यालय का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो विद्यालय जो है एक धन उगाही का साधन भी बन चुका है, तो वही विद्यालय जो है शिक्षा देने का एक उदाहरण भी है। अगर विद्यालय बढ़िया है, गुणवत्तापूर्ण है, तो छात्र वहाँ से बढ़िया शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके जीवन काल में कुछ कर सकता है। इसीलिए विद्यालय का चुनाव करना गार्जियनों के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। नगर पंचायत में भी प्लेवे एक विद्यालय खुल चुका है जिसका नाम है लिटिल वेरियर स्कूल, जो नगर पंचायत पिपराइच में मौजूद है। यहाँ के सुख सुविधाओं के बारे में दिखाएंगे जो बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं, वो आज पिपराइच नगर पंचायत में इस विद्यालय के अंतर्गत देखने को मिला है। देख सकते हैं ये विद्यालय के क्लासरूम हैं, और जिस तरह से शहरों में डिजिटल तरीके से पढ़ाया जाता है, उस तरह से स्मार्ट क्लास कह लिया जाए तो इस विद्यालय में मौजूद है, जो बच्चों को शुरू से ही स्मार्ट क्लास स्मार्ट शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है इस विद्यालय के अंतर्गत। और भी बहुत सारी चीज़ों को दिखा दें जो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत में एक अलग पहचान बना रहा है पिपराइच नगर पंचायत के लिए। देख सकते हैं ये विद्यालय है, विद्यालय के ये हम विद्यालय के अंदर आ रहे हैं, ये रिसेप्शन है। अगर कोई भी व्यक्ति आते हैं तो उन्हें तुरंत क्लास के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, विद्यालय के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, यही उनका जांच पड़ताल होता है, बातचीत होती है। अगर आगे देख सकते हैं ये पूरा बाकायदा ये विद्यालय का गेट भी बनाया गया है कि जो बच्चे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं जो प्लेवे में पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये बेहतर गेट बनाया गया है कि ताकि अगर अंदर उनका एंट्री हो गया तो बाहर निकलने के लिए उनकी परमिशन लेनी पड़ती है और बाकायदा दरवाजे को खोल के ही बाहर जा सकते हैं। ये देखिए क्लासरूम है और बच्चे जो हैं आज एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग आ चुके हैं, विद्यालय को दिखा रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम में बच्चे कार्यक्रम में भाग भी ले रखे हैं, सारे क्लासरूम खाली हैं। और ये क्लासरूम है, हमें की क्लासरूम दिखा दें जो क्लासरूम शहरों में देखने को मिलते हैं, जो भी नकाशी जो भी चित्र दिखाया जाता है कि बच्चे जो है खेल खेल में ही पढ़ाई कर लेते हैं, यानी कि खेल खेल में बदलो दुनिया, खेल खेल में पढ़ाई। देख सकते हैं दीवारों में भी खेल के माध्यम से दिखाया गया है, अलग अलग एक्टिविटियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है, जो दीवार पे अलग तरीके का नकाशी बनाया गया है। सर से मिलेंगे, बात करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे, विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था है। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अंकित गुप्ता है। जी जी सर आप किस पद पे हैं यहाँ क्या? जी 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 सर जानना चाहेंगे विद्यालय के सुख सुविधाओं के बारे में, आपके विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? हमारे विद्यालय में प्रैक्टिकल बेस्ड एक्टिविटी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हैं और साथ ही साथ बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग कार्यरत हैं जी। और इसमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल्स और लर्निंग बाय डूइंग, इस पे फोकस करते हैं जिससे बच्चे करके सीखे और अपने आप को एक्सपीरियंस दे जिससे आगे चलकर उनको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आजकल के जो स्कूल है वो क्या करते हैं थ्योरेटिकली अपना जो बस पढ़ाते हैं और पढ़ाकर बच्चों को छोड़ देते हैं, ऐसे करने से बच्चे आगे ग्रोथ नहीं कर पाते। जब बच्चे प्रैक्टिकल कर सीखते हैं और एक्टिविटी करके सीखते हैं तो बच्चों में काफी अच्छी डेवलपमेंट होती है, उनके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। इस पर हम फोकस करते हैं कि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग लर्न करें करके। तो देख सकते हैं सर का कहना है कि हमारा जो विद्यालय है, जो हम बच्चों को शिक्षा देते हैं उनके द्वारा यानी करके सीखते हैं, हम उन्हें वो अवसर देते हैं और उन्हें हम बताते हैं कि खुद करके सीखें। तो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत में एक अलग पहचान है और शिक्षा जगत में बच्चों को शुरू से ही इस तरह की एक्टिविटी कराने से शायद उनके अंदर और भी बदलाव आता है और शिक्षा से जुड़े जाते हैं और अपने उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं सर, बात करेंगे आगे कि विद्यालय में सर चूंकि विद्यालय जो है आपका प्लेवे है और प्लेवे में देखा जा रहा है कि शहरों में ही
ऐसे सारे विद्यालय खुलते हैं, लेकिन आपके नगर पंचायत में विद्यालय खुला हुआ है, तो क्या लग रहा है यहाँ के जो लोग हैं इस विद्यालय में जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, तो मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, जैसे कि मैंने दिल्ली में देखा कि वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिकली बच्चे करते हैं और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, उसको मैंने वहाँ पे देखा और सीखा और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे हमारे एरिया में बच्चे इम्प्रूव कर सकते, क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ बच्चे काफी डेवलप हैं और यहाँ के बच्चे अभी पता ही नहीं है कि करना क्या है इन फ्यूचर, तो उनके सबसे पहले तो उनका विल पावर मजबूत करना है कि वो विल पावर अपना मजबूत करें और एक करना क्या है ये फिक्स करें, और साथ ही साथ तो वो पढ़ करके डेवलप करें, अपने आप को शो कर सके, अपने आप को दिखा सके मैं क्या हूँ। कभी कभी जाकर क्या होता है बच्चे अपने आप को छुपा छुपा रखते हैं, ये ना करें बच्चे, क्योंकि छुपने से क्या होता है कि सभी क्वालिटीज कम हो जाती है और क्वालिटीज कम होने की वजह से होता क्या है कि बच्चे अपने आप को ओवरकम नहीं करना अपने आप को दिखा नहीं पाते, ये चीजें हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बच्चे के तो जो भी क्वालिटीज है वो निकल के आए, निकल के आए, निकल के। देख सकते हैं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे कार्यक्रम है और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और सर बात करेंगे आपसे, अगर शिक्षा दीक्षा की गुणवत्ता की बात की जाए तो अभिभावक जानना चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ टीचरों की क्या एजुकेशन है, क्या गुणवत्ता है? हमारे यहाँ जो भी टीचर है ग्रेजुएट है और वेल क्वालिफाइड है विद बीटीसी एंड बीएड। अच्छा, यानी कि वेल क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड टीचर आपके वहाँ? अच्छा, सर्टिफाइड टीचर है। एक सवाल और है सर कि एक तरह देखा जाए तो विद्यालय जो है एक धन उगाही का स्रोत भी बन चुका है, तो मैं सर बुरा मत मानिएगा आपसे पूछना चाहूंगा कि देखा जा रहा है कि विद्यालय के जो भी फीस चार्जेस हैं इतने ज्यादा रहते हैं, इतने महंगे रहते हैं कि आम जनता जो है पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाती है, तो सर आपके वहाँ क्या फीस है, क्या चार्ज है? हम काफी मिनिमम कॉस्ट में हम बच्चों को पढ़ाने शिक्षा देने का प्रदान करने का काम करते हैं, इसमें कोशिश ये रहेगी कि हम आगे शिक्षक कम फीस में अत्यधिक गुणवत्ता के साथ दें। जी सर, बच्चों का अगर देख लिया जाए तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इन्हें घर से लाने और जाने की कोई व्यवस्था है? हम अभी वाहन का सुविधा प्रदान करते हैं और आगे और भी अच्छे वाहन के बस वगैरह का इस्तेमाल सुविधा का प्रदान करें, सुविधा प्रदान। तो देख सकते हैं पिपराइज नगर पंचायत में प्लेवे विद्यालय खुल चुका है, और आपको एक जानकारी हम दे दें कि जो लोग भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा तो 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है और बच्चा 5 साल 6 साल का हो जाएगा तब विद्यालय जाएगा, तो उन्हें एक नसीहत देना चाहेंगे कि ये विद्यालय जो है लगभग सर 2.5-3 साल के बच्चे आते होंगे? तो देख सकते हैं कि अगर जो बच्चा 3 साल का है तो आप उसे घर पे ना बैठाएं, यहाँ विद्यालय आपके नगर पंचायत में ओपन हो चुका है, इस विद्यालय में लाके बच्चे को छोड़ दें, बाकी सारा ध्यान ये लोग देखेंगे, ये लोग करेंगे और शुरू से आपके बच्चे का भविष्य संवारने में लग जाएंगे। सर किसी प्रकार की बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं, जलपान वगैरह का यहाँ पे आर वाटर जी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ हम लोग वेलनेस डिपार्टमेंट देते हैं, जेई डिपार्टमेंट देते हैं, और साथ यहाँ पे जो फैंस वगैरह मैंने हमने इंस्टॉल करवाए हैं, आगे हम फुल एसी करने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं कि जो बच्चों की चाहिए अगर कह लिया जाए एजुकेशन के मामले में तो आसन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि अगर हम जिस माहौल इन्वॉल्वमेंट अगर हमारा सही नहीं रहेगा तो हमारा एजुकेशन जो है बेहतर नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें शुद्ध वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, तो इस विद्यालय में अगर देखा जाए तो काफी बेहतर और एजुकेशन के साथ साथ वातावरण जो है काफी सुंदर है और अच्छा है, जहाँ बढ़िया तरीके से एजुकेशन लिया जा सके। सर एक सवाल और है, बहुत सारे ओपन एआई हो चुके हैं विद्यालय, बहुत बड़ी चुनौती है, आपके विद्यालय में क्यों लोग एडमिशन लेना चाहेंगे? क्योंकि सर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि किसी स्कूल में बस बोलते हैं दिया नहीं जाता है, हम लोग करके दिखाते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी हम लोग साथ साथ प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ समर वेकेशन में बच्चे जब घर पे जाते हैं या आउटर स्कूल किसी और स्कूल के बच्चे यहाँ पे आगे पार्टिसिपेट करते हैं समर वेकेशन में, जिसमें हम समर कैंप लगवाते हैं, जिसमें आर्ट क्राफ्ट डांस म्यूजिक योगा क्लासेस ये सभी कंडक्ट कराते हैं, जिससे बच्चों में डेवलपमेंट हैं। और सर का कहना है कि हमारे विद्यालय में इतने लोग आए कि हमारा जो एजुकेशन है सभी से हटके है, यहाँ बच्चा जो है खुद करके सीखता है और उससे बेहतर और प्रैक्टिकली अगर करेगा, खुद करके सीखेगा तो शायद उसके अंदर और ज्यादा ज्ञान पैदा होगी। और दूसरी बात यह है कि जो रट्टा मार के पढ़ते हैं, जो थ्योरिकल पढ़ाए जाते हैं, तो सिर्फ किताबी दुनिया हो जाती है, लेकिन बाहरी दुनिया से रूबरू होते हैं तो शायद वो हमें कभी भूलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और कभी हम भूल ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इनका विद्यालय
जो है सबसे अलग और सबसे बेहतर एजुकेशन की चैलेंज करती है। अगर आपके भी बच्चे 3 साल के हो चुके हैं तो आप लिटिल वेरियर स्कूल प्राइस में दाखिला कराएं, घर पे ना बैठाएं, बच्चे के भविष्य को सवारें, क्योंकि बाबा साहब जी कहे थे कि आधी रोटी खाना और बच्चों को पढ़ाना। ये स्लोगन हमेशा याद रखें, एजुकेशन इज मोस्ट, यानी कि एजुकेशन अगर है तो बच्चा का भविष्य संवरेगा और बच्चा जीवन काल में कुछ बेहतर करेगा।